The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों कोरोना में अब फीवर बढ़ता जा रहा है कई लोगों का, तो उसका क्या मतलब है? अगर फीवर बढ़ता जा रहा है तो अच्छा साइन नहीं है। याद रखिए, बॉडी के अंदर कोरोना हमेशा बुखार नहीं करता। कई लोगों के अंदर अलग अलग लक्षण आते हैं, और बच्चों में अलग और बुजुर्गों में अलग और सब में अलग अलग लक्षण आ सकते हैं, लेकिन सारे लक्षण कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन के होते हैं। बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम एक्ट कर रहा है, इन्फ्लामेशन कर रहा है, तभी आपको बॉडी में वीकनेस शुरू होगी, या बॉडी पेन शुरू होगा, या बुखार शुरू होगा, या फिर किसी प्रकार का और या ऐसी इन्फ्लामेटरी इशू आएगा। सो डिहाइड्रेशन हो जाना बहुत कॉमन है इन्फ्लामेशन में, इसलिए उसी की वजह से कई बार बॉडी पेन शुरू हो जाता है, और डिहाइड्रेशन के वजह से ही बुखार बढ़ता जाता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से बुखार बढ़ रहा है और बुखार कंट्रोल में नहीं आ रहा है, 102, 103, कभी कभी 104, 105 हो रहा है, तो अच्छा साइन नहीं है। उसका मतलब है बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। उस समय अगर आपकी जो भी दवा चल रही है, हो सकता है उसे बढ़ाना पड़े, और आपको अपने टेस्ट जो है CRP, ESR, D-dimer, IL-6 और सीरम फेरेटिन, ये फिर से कराना पड़े, और CT स्कैन भी फिर से कराना पड़े, देखने के लिए कि कहीं वहां पर इन्वॉल्वमेंट CT स्कोर जो है, वो आपका जो कोराइड स्कोर है जो CT स्कैन के अंदर, वो बढ़ तो नहीं गया, वो क्या है, वो इशू तो नहीं आ गया, जो और ज्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो गया, और ज्यादा इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गया, कहीं आपको उसके लिए नेबुलाइजेशन या स्टीरॉयड चालू करने हो या बढ़ाने हो, तो वो चीज आपको डिस्कस करनी होगी। फीवर इज नॉट अ गुड साइन। कॉन्स्टेंट फीवर और स्पेशली हाई ग्रेड फीवर हाई होता जाना इज नॉट अ गुड साइन। इट माइट ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंड इन्फेक्शन हो सकता है आपके अंदर। सो उसके लिए, उसके डिटेक्शन के लिए कई बार और टेस्ट होते हैं, प्रो कैल्सिटोनिन वाला टेस्ट कराया जाता है, और कल्चर्स, ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी भी करनी पड़ सकती है। अगर फीवर लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना के बाद भी, या कोरोना के बीच में भी, कोरोना के ट्रीटमेंट के बीच में भी, सो ये सारी बातें हैं फीवर के लिए। और फीवर को तोड़ने के लिए याद रखिए, सबसे पहले आपको Dolo 650 ट्राई करनी है। उससे नहीं हो रहा है तो लैंजोल ER भी आती है, पैरासिटामोल का 1000 mg का डोज आता है, एक्सटेंडेड रिलीज, वो भी ले सकते हैं सुबह शाम। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो मेफ्टाल आपको ट्राई करनी है, मेफ्टाल से, या मेफ्टाल 500 या मेफ्टाल फोर्ट से आपका बुखार टूट जाता है कई लोगों का। अगर उससे भी नहीं, टूटने का मतलब है कि वो नॉर्मलाइज हो जाए, 100 से नीचे, 99 से 98 के आसपास आ जाए। अगर वो नहीं आ रहा है तब फिर आप उनको पट्टी कर सकते हैं, एकदम कोल्ड बर्फ वाली पट्टी नहीं करनी है, नॉर्मल से थोड़ी ठंडी पट्टी करनी है, पूरे शरीर पे ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और बर्फ वाली पट्टी करते हैं तो एकदम निचोड़ के सिर्फ माथे पे करनी है, पूरे शरीर पे कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी आप लगा सकते हैं, उसे धीरे 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 आधे घंटे में शरीर जो है ठंडा हो जाएगा। बुखार को कंट्रोल करना है, दबाना नहीं है। बुखार वाले कई वीडियो है जो हमने पहले बनाए हैं, उसको जरूर देखिए, उसको वीडियोज को देख के आप समझेंगे कि बुखार से डरना नहीं है, इट्स अ साइन। जो बीमारी है उससे डरना है, उसके लिए ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए देखिए कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है कि नहीं, सही चल रहा है या नहीं, और उसमें क्या किया जा सकता है। और मेरे तरफ से हमेशा याद रखिए, CRP लेवल्स हर तीसरे दिन में करा के देखिए। अगर CRP आपका बढ़ता जा रहा है तो दिक्कत वाली बात है, CRP कम हो रहा है तो यू आर गुड। D-dimer करा के देखिए, D-dimer से ब्लड क्लॉटिंग का पता चलता है, तो पता चलेगा कि आपको वहां पर कोई खून पतला करने की दवाई लेनी है कि नहीं लेनी है, बहुत जरूरी एस्पेक्ट है इसमें। प्रिवेंशन के लिए कई लोगों को, जिनको हाई रिस्क है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको ऑलरेडी दी जानी चाहिए प्रिवेंशन के लिए खून पतला करने की दवाएं। उसके लिए इकोस्प्रिन अपने आप में बहुत मामूली सी दवा है, जो लोग वैसे भी कई बार प्रिवेंशन के लिए, हार्ट के प्रिवेंशन के लिए लेते हैं, उसके बाद दूसरी जगह दो देते हैं ये प्रिवेंशन के लिए, वो है रिवरॉक्सीबैन। रिवरॉक्सीबैन नाम की दवाई दी जाती है 2.5 mg की वंस अ डे। ये महंगी दवा होती है, लेकिन ये खून पतला करके क्लॉट प्रिवेंट करने की दवा होती है, या क्लॉट घुलने की दवा होती है। ये अगर किसी का D-dimer बढ़ा हुआ है, काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उसको ज़रूर देना है, क्योंकि उनके शरीर में फिर क्लॉटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं क्लॉट बन रहा है। इसका इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो क्लॉट जाके दिमाग में स्ट्रोक करे, फेफड़े में पल्मोनरी एम्बोलिज्म करे, या कहीं पर मेजर हार्ट अटैक या कोई ब्लॉक करे। सो क्लॉटिंग का साइन है, तो खून पतला करने की दवा शुरू करनी पड़ती है। अपने डॉक्टर से बात करें, और ये सारी चीज़ें जो है हर एक इंसान के साथ शेयर करें। इस वक्त सबकी कमी है, इसीलिए ये वीडियोस जो है आपके लिए हम बना रहे हैं। कृपया साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाएं।